रतलाम में बीती रात थाना औद्योगिक क्षेत्र के जवान नगर में हिंदू जागरण मंच के कार्यकर्ताओं ने दो पुलिसकर्मियों पर मारपीट के गंभीर आरोप लगाए हैं और इस घटना को लेकर रक्षत चौहान ने हिंदू जागरण मंच के पदाधिकारियों को अवगत कराया, जिसके बाद थाना औद्योगिक क्षेत्र में प्रदर्शन करते हुए सड़क पर बैठ गए। हिंदू जागरण मंच के पदाधिकारियों का कहना है कि इस प्रकार की पुलिस की बर्बरता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। बिना किसी अपराध के युवक को पीटना गंभीर मामला है। दोनों पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई को लेकर प्रदर्शन किया। वहीं पुलिसकर्मी लोकेंद्र सिंह पर लेन देन का भी गंभीर आरोप लगा है। युवक से मारपीट व लेन देन की शिकायत एसपी को भी जाएगी। वहीं पुलिस भी इस पूरे मामले में बयान देने से बचती रही। क्या नाम है भाई साहब आपका? मेरा नाम है रक्षक चौहान, जवान नगर में मैं रहता हूँ। मेरी गाड़ी भजन संध्या के उस पर खड़ी थी। मैं भजन संध्या से निकला, गाड़ी पे जैसे ही जाके बैठा इधर से इनका आना हुआ, इन्होंने उतरते से ही लट मार दिया। मैंने बोला लोकेन भैया मैं हूँ, तो एक और मार दिया और चलती गाड़ी पे एक और जो गाड़ी में चल रहे उन्होंने मेरे लट मार दिया। क्या नाम है पुलिस वाले का? एक का नाम है लोकेन सोनी और दूसरा उसका नाम नहीं पता। दोनों सादी वर्दी में थे? लोकेन सोनी था सादी वर्दी में, बाकी दूसरा ड्रेस में था।